बारे बोलूँ तो अच्छा है। संसार में आज के आज कलयुग में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो सनातन धर्म का आधार अगर कुछ है तो वो गुरु है। सनातन धर्म हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म हुआ है। ये बाकी धर्म तो बाद में आए हैं। क्यों आए? क्योंकि सनातन धर्म में गिरावट आ गई। सनातन धर्म की असलियत को, जो असलियत थी सच्चाई थी, उसको लोग नहीं समझ सके और अपना रास्ता निकाल लिया। बुद्ध ने अपना रास्ता निकाल लिया। महावीर साहब ने, उस वक्त के वो भी बहुत बड़े संत थे, उन्होंने उसको और आसान करके एक रास्ता बताया जीवन को गुजार करने का। इसका बहुत बड़ी महिमा है। मैंने एक जगह पढ़ा दादा दयाल जी महाराज की किताब में, नारद मुनि वो सभी ऋषियों के पास जाते थे, सभी अवतारों के पास जाते थे, सुबह जाना, सबकी जय बोलना, और सबसे पहले वो ब्रह्मा के पास जाते थे, सबसे पहले विष्णु के पास जाते थे, विष्णु के पास जाने, जय करनी, मत्था टेकना और आज्ञा लेकर चले जाना। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि जब नारद मुनि चला गया तो जहाँ वो बैठा था उस जगह को साफ किया गया। तो नारद मुनि ने ऐसे पीछे मुड़कर देखा कि ये क्या हो रहा है, ये साफ कर दिया जहाँ मैं बैठा था। तो वो वापस चला गया। वापस जाके कहता, महाराज मेरे से क्या गलती हो गई, जहाँ मैं बैठा था क्या वो जगह अपवित्र हो गई? उन्होंने कहा, देख नारद मुनि, जहाँ तू बैठा था वो जगह बहुत अपवित्र हो गई है। क्यों? क्योंकि तूने जिंदगी में अभी तक गुरु धारण नहीं किया, तू निगुरा है। तो वो बड़ा परेशान हो गया। कहता, महाराज जी फिर तुम अब मेरे गुरु बन जाओ। कहते, मैं तो नहीं बन सकता क्योंकि मेरी ड्यूटी और है, तुम ब्रह्मा के पास जाओ। वो ब्रह्मा जी के पास चला गया। वहाँ भी उसके साथ यही व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा, मैं भी आपका गुरु नहीं बन सकता, तुम शिव के पास जाओ। वो महाराज शिव के पास चला गया। शिव जी ने भी ऐसा कहा तो पार्वती ने कहा, महाराज इतना लाचार है, इतना दुखी है, इसको कोई रास्ता ही बता दो। हाँ, कहते, रास्ता बता सकता हूँ लेकिन मैं गुरु नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा, देख नारद मुनि, तू सुबह मातलोक जा, नीचे जा, हम तो ऊपर हैं, तू मातलोक में सुबह चले जा, और सुबह जाएगा जब जिस भी जगह जाएगा, जो पहला आदमी तुम्हें मिलेगा तू उसको अपना गुरु बना ले। तो वो मातलोक में आ गया। यहाँ भी उतरा, ये नहीं लिखा कहाँ उतरा। तो वहाँ एक भंगी झाड़ू दे रहा है सुबह सुबह, तो उसको गिलानी हो गई कि हैं ये भंगी है, मैं इसको गुरु बना लूँ? तो आवाज़ आई, यही तेरा गुरु है, इसको गुरु बना ले। उसने वहाँ मत्था टेक दिया और उसको फिर उसी भंगी ने उसको ज्ञान दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए सनातन धर्म का जो पहला गुण इसने गाया, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः, ये तो पहली बारी आ गई। फिर चार कंडीशन और बता दी उन ऋषियों ने। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु जो कहता है आपको वो ही मंत्र है, तुम्हें जो कहता है। जैसे मुझे बाबा जी ने कोई बात कही वो मेरे लिए मंत्र है, मैं उसी को याद करता हूँ। ऐसे ही तुम्हें जो भी तुम्हारा गुरु है जो कहता है उस पर चलो, तुम्हारे लिए वो ही गुरु है, वो इस मंत्र बन जाता है। तो गुरु वाक्यम मूल मंत्र, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु उसी गुरु का ध्यान करना है। जब तुम ध्यान करोगे जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा कहाँ करनी है, किसी मूर्ति की करनी है, गुरु के चरणों की भक्ति करनी है। और बाबा जी ने वो आगे बता दिया वो चरण कहाँ है, और आखिर में है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष तभी मिलेगा जब गुरु की कृपा हो जाए। क्या कहा मैं? इसलिए आज कबीर साहब
अपने अपने शिष्य को जो उनका बहुत प्रिय शिष्य था धर्मदास, जो बड़ा धनी था और सब धन दान करके कबीर के चरणों में आ गया, ये उसको आदेश दे रहे हैं, पढ़ो तुम्हारा प्लीज। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, पहली लाइन जग में गुरु समान नहीं दाता। दाता कौन होता है? जो कोई चीज देता है वो दाता है, जो लेता है वो दाता नहीं है, वो तो भिखारी है। देने वाला दाता होता है। दाता कई तरह के होते हैं। एक वचन देने वाला दाता है जो जीवन को बदल देता है। कोई पैसा देता है, किसी को पैसा दे दिया वो भी दाता है, किसी नंगे को कपड़ा दे दिया वो भी दाता है, किसी भूखे को रोटी खिला दी वो भी दाता है। जो देता है, किसी की जरूरत को पूरा करता है, वो ही दाता है, दूसरा कोई दाता हो नहीं सकता। इसलिए दाता की भी कई कैटेगरीज हैं, लेकिन सबसे ऊंची जो कैटेगरी है, सबसे ऊंचा जो पद है वो गुरु का है, उसके समान दूसरा दूसरा कोई हो नहीं सकता। ये कह रहे हैं कबीर साहब अपने धर्मदास को बता रहे हैं, धर्मदास गुरु के समान दुनिया में कोई दाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ देता है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। कौन सी चीज़ थी बताओ? गोचर गई सतगुरु ने, वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाटा, जग में गुरु समान नहीं दाता। क्या हुआ? गुरु ने क्या दिया? वो वस्तु दी जो नजर नहीं आती। अगोचर, गोचर होता है जो नजर आती है, अगोचर हो गया जो नजर नहीं आती, वो चीज दी। तो कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास को, धर्मदास गुरु वो चीज देता है जो नजर नहीं आती। इसका क्या मतलब हो गया? फेंका, भली बताई बात, और मुझे वो भली बात भी बता देते हैं। कौन सी भली बात? जिसमें तेरा कल्याण हो सकता है। गुरु कभी कोई ऐसी बात नहीं कहता जिसमें उसका अपना फायदा हो। उसका फायदा किसका होता है? जिसके साथ वो बात करते हैं वो उसको ऐसी बात कह देते हैं जिससे उसका कल्याण हो जाए। इसलिए कहते हैं दाता, कहते हैं को ऐसे दाता हैं, को ऐसी चीज़ आपको बताते हैं जो नज़र नहीं आती, और तुम्हें ऐसी बात भी कहते हैं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। भली बात होती जो जिससे आपका फायदा हो जाए। बात समझ रहे हो आप? जो जिसमें आपका फायदा ही नहीं है उसको क्या सुनना? इसलिए कहा जाता है सत्संग में कि सत्संग में वो बात ले लो जो तुम्हारे काम की है, बाकी को छोड़ दो। जो तुम्हारे काम की बात है, जिससे तुम्हारा जीवन बनता है, वो ले लो, बाकी क्या लेना है? आप क्या कहा मैंने आगे? काम तो कैद करी रात है। कहते हैं कि गुरु क्या करता है? काम क्रोध को बस कर लेता है। क्या मतलब इसका? हम कब दुखी होते हैं? जब हमारी कभी कोई कामना पूरी नहीं होती और कोई कारण नहीं दुखी होने का। दुखी होने का कारण केवल एक है कि मैं कुछ चाहता हूँ, मुझे कोई आशा है कि मेरे बच्चे ऐसे हों, मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरे पास धन हो, मैं जो करूं वो हो जाए। अगर वो नहीं होता तो फिर क्रोध आता है। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं कि काम और क्रोध को गुरु बस कर देता है। कैसे? वो कहता, बच्चा उस मालिक की मौज पर रहने की कोशिश करो, कोई आशा नहीं करना। क्या कहा मैंने? ये संत मत है। संत मत में कहा गया है, ए इंसान, तुम्हें अगर आशा करनी है तो अपने सदगुरु की आशा कर। इसलिए बाबा पी ने भी लिखा, दिल में रहे एक आस और एक विश्वास, बस और कुछ नहीं। एक आस, कौन सी आस? गुरु की आस।
विश्वास किस बात का कि जो वो कर रहा है मेरे भले के लिए ही कर रहा है। तो बात खत्म हो गई, कहाँ चिंता रही, कहाँ फिक्र रहा, हो गए ही नहीं फिक्र, क्योंकि तुमने आशा ही छोड़ दी और अपने आप को अपने गुरु के हवाले कर दिया कि मुझे नहीं कुछ चाहिए, जो मेरा दाता देगा मैं उसी में खुश हूँ, जहाँ वो रखेगा मैं वह उसी में खुश हूँ। जहाँ तुमने अपने मन को लगा लिया, मन तुम्हारे लिए तुम्हारा ही दुश्मन बन जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, जहाँ गुरु की आज्ञा के विरुद्ध अगर तुम्हारे मन ने काम करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा ही मन तुम्हारा नुकसान कर देगा। इसलिए इस मन को खाली करके केवल गुरु की आस करो, गुरु की आस करो और कुछ नहीं। काश आस कर गुरु की दया की हो न तू निराश कभी, जो हुआ निराश समझ ले तूने गुरु का दास कर दो। ये दाता दयाल जी ने कहा है। और वो कहते हैं कि काम क्रोध को बस कर लिया और मोह को क्या किया, उसको नथ डाल दी। मोह को यही लिखा है ना, काम क्रोध कह दे राख है लोभ को लीनो नाथा, लोभ को भी नथ पाती, कोई लोभ नहीं, लोभ तो वो ही करेगा जो गुरु की आज्ञा के बगैर चलेगा। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, उसकी डिमांड ही खत्म हो जाती है, उसकी डिमांड ही नहीं रहती। नथ खसम हथ, बस यही मेरे सतगुरु बाबा की जी महाराज कहा करते थे। मैं जब वो आते थे तो मैं उनके साथ साथ चलता और बैठते समय नथ खसम हथ, बात समझ गए, दाता तेरी मौज ये कहा करते। तो ये है जिंदगी का राज, गुरु की बात संगत में जाने के बाद। बाकी दुनिया क्या मांगती है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने दाता से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब पश्चाताप जरूर किया मैंने, कल भी किया, कुछ दिन पहले भी किया कि मैंने ये सत्संग क्यों बंद किया। मैं मन के पीछे चला गया, मैं गर्मी महसूस की, या संगत की गर्मी को देखा कि संगत इतनी गर्मी में आएगी मुश्किल होगा, पता नहीं क्या हुआ ये सत्संग बंद हो गया। मैंने पश्चाताप किया कल कि जे मैंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। बात समझ गए मेरी, ये मैं महसूस किया, मुझे अंदर से आवाज़ आई कि कमलया तूने गलती की है, तूने क्यों गलती की है, किस लिए की है, क्यों किया है। बड़े शशुपंच में रहा, फिर आखिर में सिर को झुका दिया, ऐसा ही होना होगा। क्या कहा मैं, तो वो कहते हैं वो तो लोभ नहीं करता कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, समझ गया। आगे और बात बता देता हूँ, मैंने सोचा अब घर में रहना है, अपना खाना सीमित कर दिया, बिल्कुल सीमित, दो फुलके, एक कटोरी सब्जी हो या दाल, बस दोपहर दोपहर को एक फुलका, क्योंकि घर में कोई नहीं होता था, बहू बना के रख जाती थी एक फुलका। रात को महीना गुजर गया, शरीर में कमजोरी आ गई, बहू ने कहा डैडी टेस्ट कराओ, हमें लगता है तुम्हें कमजोरी आ गई, ब्लड 12 से 8 रह गया। ब्लड टेस्ट कराया गया 12 से 8, ये सजा मिली। बात समझ गए मेरी, और परसों जब से ये 8 तारीख को तुरवाया तब से मैं खाना पूरा खाना शुरू कर दिया, फल भी खाना शुरू कर दिया, दूध भी छोड़ दिया। क्या कहा मैंने, ना दूध पिया ना कुछ फल खाया, केवल 2 फुलके सब्जी बस, और उसके बाद पश्चाताप किया नहीं, अभी शरीर की जरूरत है, अभी शरीर की जरूरत है, तू रोटी पूरी खा, सब्जी पूरी ले, फ्रूट पूरा खा, दूध भी पी। बात समझ गए, तो ऐसा मैंने ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा तुम्हें बताया। आगे क्या कहते हैं, आगे नजर आ रहा है ना, हाँ काल करे सो हाल ही कर ले, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर ना मिले
जो कल करना है तू आज ही कर ले, कल पर मत छोड़, तुम्हें फिर किसी का साथ नहीं मिला। तुम्हें ये वक्त चला गया, ये मुड़कर नहीं आएगा। इसलिए तो संतों का सांस सांस सिमरो गोविंदा, क्या जपता है कोई सांस सांस पर? टाइम ही नहीं है। नाम लिया हुआ है, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो, रोते हैं लोग मुझे टेलीफोन करते हैं, बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मंदिर आ जाओ। एक तो अभी इन्हीं दिनों में वहाँ फतेहबाद शाम को होना है 4 बजे, हम आज ही आ रहे हैं महाराज। मैं क्यों आज, टाइम ही नहीं है, हम पहुँच जाएंगे जी, 7:30 बजे पहुँचे शाम। बातचीत की जो भी करनी थी बात कर ली, घंटा हो गया, 2 घंटे, 9:30 बन गया। मैं क्या खाना खाऊँ, खाना खा के भी गए, रात को 1 बजे पहुँचे जाते फतेहबाद। लेकिन ऐसी होती है कि खिंचाव हो जाता है, खिंचाव, तुम रह नहीं सकते हो। वो खिंचाव जो है उसमें आपका भाव होता है, भावना होती है, उसमें आपका प्यार होता है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ता है। इसलिए वो कहता है दुनिया के काम तो करो, वो भी कल पर मत छोड़ो, और सिमरन और ध्यान वो भी कल पर मत छोड़ो कि आज सर्दी बहुत है, आज रहने देता ना, आज गर्मी बहुत है, आज मैं रहने देता हूँ, नहीं, ये नहीं छोड़ो। चाहे कुछ भी हो जाए, जो समय है उस समय के समय पर बैठ जाओ, उस समय के पास बैठ जाओ। मुझे याद है, मैं 2 बातें बता देता हूँ। मैं गया जहाँ से ट्रांसफर होकर कॉमन कॉलेज उधर शिमला से परे रामपुर विषय, तो जो कमरा मुझे मिला क्वार्टर, उसमें मैं सुबह अभ्यास बैठना, बड़ा बेचैन हो जाना, आंखें खोल कर भी महाराज जी को देखना, आंखें बंद कर भी अभ्यास करना, दिल ही ना लगना, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं क्या, बात क्या है, इस कमरे में कोई गड़बड़ है, जिसने ये कमरा ये क्वार्टर खाली किया उसके बारे में पूछता हूँ, वो कैसा था। तो मैं हेड क्लर्क के पास गया, मैं क्या नाम मुझे भूल गया उसका, मैं क्या बाबू जी ये जो मकान जो मुझे आपने दिया, ये यहाँ कौन रहता था? कहते सर क्या बात हो गई। मैं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि उसका करैक्टर ठीक नहीं था क्योंकि उसका करैक्टर ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बहुत ख़राब हुआ। कहते आपको कैसे पता चला? मैं क्या, मुझे ऐसे पता चला। कहते बिल्कुल ठीक है, आपकी जजमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने वहाँ अगरबत्ती जलाई, धूप जलाया, तो सारे कमरों में छींटा दिया पानी का, तब मेरा वहाँ दिल लगने लगा। बात समझ गए? दूसरी बात, मेरा जब मैं 1992 में इस मकान में आया, जो बनाया नया मैंने, तो वहाँ एक छोटा कमरा अलग मैंने बना लिया, जिसमें मैं मालिक का ध्यान किया करता था। बड़ा सुंदर जगह थी, अपने एक कोने में मेरा बैठना था, वहाँ और कोई जाता नहीं था, एक टेबल लगा होता था, एक बेड लगा होता था, एक सोफा लगा होता था। अगर कोई मेरे पास आता था मिलने के लिए, तो वो कहता था बाबा जी आपके कमरे में यहाँ बड़ी शांति है, बहुत शांति है। अब नया मकान बनाना था, नया मकान बनाना था, तो उसको जरूर गिराना पड़ा। तो मुझे एक टेलीफोन आया कि सज्जन का, महाराज जी आप वो कमरा मत ढाइए, उसको रख लो। वो कमरे में बहुत बड़ी वाइब्रेशन थी, क्योंकि वन में से लेकर मैं उसी में बैठा। मैंने कहा ये अब मुश्किल हो गया, अब मुश्किल हो गया, क्योंकि मकान नहीं बनेगा, बन गया कमरा मैंने मिला दिया, अलग बना दिया। लेकिन मेरा अभी वहाँ जो बैठने का सिस्टम था, जो मैं पहले किया करता था, वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। क्या कहना चाहता हूँ कि घर में एक जगह बना लो,
जहां तुम रोज बैठो, ये नहीं आज वहां बैठ गए, आज वहां बैठ गए, आज वहां बैठ गए, आज वहां बैठ गए, ऐसा नहीं है। एक जगह निश्चित कर लो, उस कमरे में पूरी उस नाम की वाइब्रेशन हो जाएगी और वो जैसे ही आप वहाँ बैठेंगे आपका मन शलांगे लगाएगा ऊपर को जाने के लिए, बजाय इधर उधर भागने के लिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, यही मेरे सतगुरु बाबा पीर ने कहा कि अपने घर में एक जगह बना लो और वही बैठो और स्नान करके बैठो, सुबह उठो, जल्दी उठो और फिर बैठ जाओ, एक दिन ऐसा लगेगा कि वहाँ वाइब्रेशन हो जाएगी और तुम अपने गुरु की तरफ खिंचाओ हो जाए। क्या कहा मैं? ये भली बात बता रहा हूँ। क्या बताया? भली बात। ये भली बात कह रहा हूँ कि उसमें फिर नाका नहीं होना चाहिए। यही दादा कहा करते थे, बेटा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहना, उसमें नाका नहीं डालना। और उससे मुझे क्या मिला, जिसकी कृपा से मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो मिला। क्या कहा मैंने? तो क्या कहा कबीर साहब धर्मदास को क्या कह रहे हैं, पढ़ो। सुबह 84 में गाय पढ़ोगे भुगतो दिन और रात, लाइन पढ़ो, काल करे सो हाल ही चलिले फिर न मिले आशा था। जो बीत गया सो बीत गया, उसमें पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं रहता। पछताओगे, अरे मैंने ये नहीं किया। स्वामी हजूर राय संग्राम साहब जी महाराज ने अपने प्रेम वाणी में लिखा है कि अंत समय जब इंसान शरीर छोड़ता है तो उसके सारे जीवन की फिल्म उसके सामने आ जाती है, सारे जीवन की फिल्म आ जाती है, तो उसकी आंखों में आंसू आता है कि हाय मैंने क्या किया। बात समझ गए? मेरे एक दोस्त थे बख्तावर सिंह जी, ईटीओ थे, कुल्लू में रहते थे और बाबा शफी जी महाराज हर साल उनके पास आते थे और वापसी पर मेरे पास धर्मशाला आते थे और फिर उनकी ट्रांसफ़र हमीरपुर हो गई, हम दोनों इकट्ठे हो गए। तो एक दफ़ा उन्होंने बताया, कहते भाई साहब, मुझे छोटा भाई कहते, उम्र में मेरे से बड़े थे, आपने कभी आदमी को मरते हुए देखा? मैं कहा मैंने तो नहीं देखा, पिताजी चले गए, माताजी चले गए, मैं वहाँ था नहीं, भाई भी चले गए, मैं वहाँ था नहीं। कहते जब आदमी मरता है तो जमदूत आते हैं, वो उसको पूछते हैं कि तुमने क्या किया जिंदगी में, बता क्या किया, या देख ले तुझे कुछ किया, दिखा देते। और फिर वो कहता है कि महाराज मैं क्या करना था, मैं तो अपने नाक के लिए किया जो कुछ किया, मेरी इज्जत रह जाए, मेरा नाम रह जाए, मेरी बिस्ती ना हो जाए, मेरा जे ना हो जाए, मैं इसी चावल चकमा। फिर वो कहते ज़ोर से उसके नाक पर जूता मारते हैं तो नाक बिंगा हो जाता है। कहता मरते समय आदमी का नाक ये कुंडली टेढ़ी हो जाती है। कहा अच्छा, मैंने कहता देखी है, मैंने देखी है। इसलिए वो कहते हैं कि कहाँ जाओगे तुम, 84 में चले जाओगे। क्यों जाओगे 84 में? क्योंकि अंत मता सो गता, आखिरी समय में जहाँ तुम्हारी लगन लगी हुई है तुम्हें वहाँ पर ही जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारा मन कहीं अटैच है गुरु की मूर्ति के साथ, गुरु के डेरे के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, धन के साथ, दौलत के साथ, तो क्या होगा, तुम्हें पृथ्वी की जो कशिश है वो वापस नहीं जाने देगी, तुम्हें वहीं पर ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं कबीर साहब, पढ़ो 84। 84 में जाय पढ़ोगे भुगतो दिन और रात। 84 लाख जूने बाबा। परमदयाल जी महाराज ने ये कहा कि मुझे नहीं पता पे 84 लाख जूनी है, मैंने तो गिनी नहीं, हो सकता है इतना जीव जंतु है, कितने पक्षी हैं, कितने चार
पांव वाले जीव हैं, कितने धरती के अंदर रहने वाले, कोई गिनती हो सकती है? कोई रचना बनाई उसने, पता नहीं इसमें क्या क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराज जी ने बताया कि सुनो मेरी बात बच्चों, 6 चक्कर शरीर के, 6 चक्कर मन के, 12 शरीर के 6 चक्कर हैं, मूलाधार है, इंद्री है, नाभि है, हार्ट है, कंठ है, और ये 6 चक्कर हैं, और 6 चक्कर ही मन के हैं, यहाँ से लेकर ये है सदल कमल है, स्फुटि है, शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा, सतलोक जहाँ, तो ये हो गया 12। उन्होंने कहा कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ मन और बुद्ध 7 हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियाँ आँख कान नाक रसना और त्वचा, ये 5, 2 मन और बुद्धि। मन और बुद्धि इन 5 ज्ञान इंद्रियों को साथ लेकर इन 12 में चक्कर काटती रहती है, कभी नीचे की इंद्री में, कभी पेट की में आ गई, कभी हृदय में आ गई, कभी गले में आ गई, कभी कहीं चली गई, कभी सस्तल कमल में चली गई, कभी त्रिकुटी में चली गई, कभी मन में सुन में गई, कभी महासुन, है ना चक्कर। तो हम अपने 12 चक्रों में 5-7 होकर फिरते रहते हैं, तो 12-7-84, ये 84 है, ये संतों की 84 है, आम दुनिया की 84 का मैं नहीं बात करता, ये संतों की 84 है। संत इस 84 से हमें निकाल कर सीधा सतलोक ले जाते हैं, सबसे लख में, अगम में, अनाम में, और आदर संविधान में। क्या कहा मैं? तो वो कहते हैं कि अगर तुमने गुरु की उस बात को नहीं माना जो अगोचर है और जो भली बात है कि तुम अभ्यास करो, क्या अभ्यास किस लिए करो कि मैं कौन हूँ? अभ्यास इसलिए किया जाता है कि तुम्हें ये पता लग जाए कि तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू आत्मा भी नहीं है, तू इन तीनों के ऊपर रहने वाला है, और वो है तेरी सुर, वो तू है, तू उसको पहचान ले, तू 84 से बच जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। शबद पुकार कहते हैं, शबद पुकार पुकार कहते हैं, करिए संतन साथा, शब्द वाणी, वाणी पुकार पुकार कहती है कि संतों के पास जा, संतों की संगत में जा, उनके पास बैठ, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, ये है संतों की। और अफसोस ये है कि आज हमारे देश में न जाने कितने डेरे बने हुए हैं, ना कितने परंपराएं हैं, ना जाने कितने धर्म हैं, ना जाने कितने बजिए बैठे हुए हैं देश में, जो ऐसे सिर हिलाते हैं, क्या क्या करते हैं। बहुत अज्ञानता है मेरे देश में, बहुत अज्ञानता है। मैं अगर ये कहने का साहस रखता हूँ कि मेरे देश में जितने भी ये धर्म के चक्कर हैं, अगर ये ख़त्म हो जाए तो मेरा देश स्वर्ग बन जाए। इन्होंने हमें लूट लिया, इन्होंने हमारी अज्ञानता का लाभ उठाया है, इन्होंने हमारी शांति को भंग किया है और बाकियों से छोड़कर अपने पीछे लगा लिया। क्या कहा मैं? अभी वो लड़का, एक लड़की आए थे, अभी चले भी गए, बैठे रहे। मैंने कहा आप कहीं गए थे? हाँ जी, हम अमृतसर गए थे दर्शन करने के, बड़ी अच्छी बात है। मैं कहा तुम्हारा गुरु है? हाँ जी, मैंने नाम दान भी लिया, वो गुरु भी है। यहाँ कैसे आए? आने बाबा फकीर के सत्संग सुने थे इसलिए आए। सत्संग सुनोगे? नहीं, हमने जाना है। जाओ, क्या मिला, क्या ले गया वो? क्या कहा मैंने? ये हमारा हाल है, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जिन्होंने गुरु को ही छोड़ दिया, गुरु किया हुआ है
अरे लानत है तुम्हारे ऐसे जीवन के ऊपर, तुम गुरु को करने के बाद कहाँ से कहाँ भटक रहे हो। मैं गुरु की निंदा नहीं करता, मैं गुरु की विशेषता बताता हूँ। गुरु तो एक ऐसी शक्ति है को जीवन का संसार का लोक भी बनाता है और परलोक भी बनाता है। अगर गुरु है कोई, अगर गुरु नहीं है, अपना ही देखता है, अपना ही डेरा देखता है, तो वो गुरु हो नहीं सकता। गुरु निर्लेप होता है, गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो जहाँ आते हैं रात काटेंगे, फिर कहीं और मंदिर में जाते हैं। एक दफ़ा तो 6-7 आदमी आ गए, रात रुके, यहाँ खाना भी खाया, फिर नाश्ता भी किया। मैं आ गया जब, अच्छा महाराज जी आज्ञा दो, मैं कह चिंतपुर नहीं जाना है। हाँ जी चिंतपुर नहीं जाना है। ये रेस्ट रूम बनाया हुआ है मानवता मंदिर को, आए हैं दूर से, रात को जहाँ रुकेंगे फिर आगे जाएंगे, फिर वापसी पर जहाँ रुकेंगे। ये हाल है हमारे देश के इन भक्तों का, इन गुरु के भक्तों का ये हाल है, जो गुरु को भी धोखा देते हैं और अपने आप को भी देखा देते हैं। वो 84 में फंसेंगे, पढ़ो यही लाइन, वो बच नहीं सकते। 84 में जाई पढ़ोगे भुगतो दिन और रात, जिंदगी दिन रात में गुजारोगे, ऐसे ही गुजारोगे, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ये मैं अपने जीवन के आधार पर कहता हूँ। जब जब मेरे दाता मुझे मिल गए 18 साल की उम्र में, मैं सारी दुनिया भूल गया। मैं कोई मंदिर नहीं गया कि मेरे मंदिर में जाऊँ वहाँ से ये मांगूँ, कहीं नहीं गया। एक ही मेरा जगह है जहाँ मेरा सिर झुकता है, और यही जगह है जहाँ से मेरा जीवन बना, और यही मेरे दाता का दरबार है जहाँ से मुझे वो ज्ञान मिला जो अगोचर बात कही गई। परमदयाल जी महाराज ने मुझे वो अगोचर बात कही और वो भली बात बताई कि बच्चा जीवन को ऐसे नहीं, ऐसे गुजारना है। क्या कहा मैंने, तो इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। आगे शब्द पुकार पुकार कहते हैं, करिए संतन साथा। शब्द कितने प्रकार का है, शब्द तो बहुत है, शब्द बहुत है। सुबह उठोगे आप, अगर सुबह 4 बजे उठोगे तो आपको पक्षी बोलते हुए सुनेंगे, वो भी मालिक को याद करते हैं। बड़े प्रेम से सुनो जरा उनकी वाणी कितनी कहती है। कोयल बोलती है और पक्षी बोलते हैं, मेरे पास तो नीचे रखता है ना, इसलिए मेरा तजुर्बा है। संतन की बात को सुनो, वो कहते हैं शब्द पुकार पुकार कर कह रहा है। गुरु की वाणी से एक शब्द निकलता है, वो फिर तुम्हारे अंदर शब्द है, तुम्हारे अंदर भी शब्द है। सजदल कमल में शब्द है, त्रिकुटी में शब्द है, सुन में शब्द है, महासुन में शब्द है। महासुन में शब्द नहीं, अंधेरा है, भंवर गुफा में शब्द है। जो मन के शब्द है, वो मन के शब्द है, वो तुम्हारे सुरत के शब्द नहीं है। सुरत का शब्द आगे जाकर शुरू होता है, लेकिन तुम्हें मन को ठहराने वाले शब्द भी अंदर पुकार रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने अंदर की घंटी तो नहीं सुनी, मंदिर में बजा ली। हमने अंदर में जो ज्योति जल रही है, जिसका जिक्र उसमें किया गया, गायत्री मंत्र में किया गया, भूर्भुवस्वः महाजन तपः से आगे आपके अंदर सूर्य का प्रकाश है, उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ, लिखा हुआ है। कोई पंडित इस पर नहीं चलता, कोई नहीं चलता। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, ये गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा हुआ है। लेकिन हम बाहरी ज्योति जला लेते हैं, बाहरी घंटी बजा देते हैं, उससे क्या बनेगा, वो शब्द नहीं है। शब्द तुम्हारे अंदर है, और कबीर साहब कहते हैं वो पुकार पुकार कर कह रहा है कि तू जा संत की संगत में जा, वो तुम्हें बताएंगे कि वो शब्द कौन सा है जो पुकार रहा है। वो तेरे अंदर है,
वो तेरे रग रग में है। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, बच्चों हमारे शरीर के हर जगह पर वो शब्द है, और डॉक्टर उसको एक चूटी लगाकर यहाँ लगाएंगे, पीछे लगाएंगे और देख लेते हैं छाती में क्या है, पीछे क्या है, वहाँ भी शब्द हो रहा है। उस शब्द को सुनकर वो देख लेंगे कि हाँ आपके अंदर बलगम है, आपको रेशा जमी हुई है, देखते हैं ना वो, तो वहाँ शब्द है। शब्द से बीमारी का पता लगता है। हमारे वो होते थे हकीम होते थे, वो मेरे पास भी एक हकीम आता है, वो जहाँ से नब्ज पड़ेगा ऐसे वो देखेगा, क्या देख लिया, फिर ये देखें, वो बता देगा आपके अंदर पित्त बड़ी हुई है, वो नब्ज चलती है ना टक 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 टक, वो उसकी आवाज़ को देख लेता है, इसकी स्पीड क्या है, कम है तो क्या कारण है उसका, ज़्यादा है तो फिर क्या कारण है, मध्यम है तो फिर क्या कारण है, वो इसकी वाणी से सब कुछ समझ लेते हैं, क्या कहा मैंने। लेकिन अब ये चीज़ें सब खत्म हो रही हैं, अब तो ब्लड टेस्ट कराओ तब पता चलता है कि क्या है आपके अंदर, सब जगह जा एक्सरे कराओ, जा अल्ट्रासाउंड कराओ, जा MRI कराओ, बड़े बड़े खुल गए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज से 10 साल पहले या 9 साल पहले मेरी बहू वहाँ हॉस्पिटल में एज फार्मासिस्ट लगी, तो मैं गया, कोई रश नहीं, 10 का आदमी होंगे, कारें 2-4 खड़ी थी, तो मैं अपनी कार ले जाकर वहाँ खड़ी कर देता था जहाँ डॉक्टरों की कारें खड़ी होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं खून टेस्ट कराने गया कहीं कारखाने को जगह ना मिली, स्कूटर ऐसे लगे हुए, स्कूटरों की लाइनें लगी हुई, उसके बीच में से बच्चे ने बड़ी मुश्किल से बड़ी गाड़ी है निकाली, मैं कहा आगे के लिए गाड़ी नहीं लाना, अंदर इतना रश, ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊं, निकलना मुश्किल। क्यों दुनिया इतनी बीमार हुई है, क्या हो गया हमें, किसी हॉस्पिटल में चल जाओ आप, आपको खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी, कारण क्या है, हमारा रहना खाना पीना बिगड़ गया है, हमारा खाना बिल्कुल सारा सत्यानाश हो गया है, हम जो चीज़ें खाते हैं उनका आपस में तालमेल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, परसों की बात है, परसों बच्चे आइसक्रीम ले आए, गर्मी बहुत है ना गर्मी बहुत है, खाने के बाद खा ली, मैंने सुबह सबकी लाइन लगा दी, मैंने कहा खाने के बाद आइसक्रीम नहीं खानी है, अंदर रोटी गई है, हमारे अंदर जठर अग्नि है जो रोटी को पचाना शुरू करती है, जैसे आप रोटी मुंह में डालते हैं वो अग्नि जागृत हो जाती है कि मेरे लिए भोजन आ रहा है, तो जैसे ही आप अंदर खा लिया, अंदर तो काम चल रहा है, अग्नि जल रही है, तुमने ऊपर से ठंडी बर्फ डाल दी, उसका बेड़ा गर्क हो गया, बीमारी पैदा हो गई, दही खाया दूध पी लिया, ये खाया वो खा लिया, बाजार गए खा ली, क्या जो मिल जाए खा लेना, इंसान अपना खाना तू बिगाड़ लिया, इन चीज़ों ने तुम्हें तबाह कर दिया, ये कारण क्या है, माँ लेडीज की लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि लेडीज को खाने का ज़्यादा शौक होता है, कहीं गोलगप्पे की दुकान मिल गई लाइनें लगी हुई हैं, चाट की दुकान पर सबसे ज़्यादा बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, ये क्या है, बीमारी है, फिर हकीम के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर ज्योतिषी को पूछते हैं, दे तो बाबा जी की ग्रह आ गया, ग्रह तो तुमने लिया, सिंपल खाओ, मैं आपको बता देता हूँ, कम खाओ सिंपल खाओ, ज़्यादा चीज़ें खाने की जरूरत नहीं है, दो फुलके खाए, सब्जी मिल गई, दाल मिल गई, और क्या चाहिए, हम बीमार इसलिए होते हैं कि हमारा खाने का अपेक्षा कम पी, जो वो कल की मैं बात बताता हूँ, मैंने 2 आम खा लिए, बचपन में क्या होता था कि आम खा लिए फिर कच्ची लस्सी पीते थे, अब बरसात है तो 2 आम खाने के बाद मैंने सोचा मैं दूध पी लेता हूँ, दूध बॉयल कर लिया, फिर सोचा नहीं
पहले देखूं कि क्या आम खाने के बाद दूध पिया जाता है। मोबाइल उठाया, सब कुछ न्यूज़ है वहाँ, मोबाइल उठाया, क्लिक किया वेदर आई शुड टेक मिल्क आफ्टर मैंगोज और नॉट। वहाँ लिखा कि 2 घंटे से पहले दूध नहीं पीना चाहिए। दूध को रख दिया मैंने, नहीं पिया। क्या कहा मैं, हम तो जो आया मेहमान आते थे, मेहमान याद आता है मुझे, क्या बनता था, एक दाल होती थी, बांग की दाल, घरों में कहते थे मेहमान आया काली बांग की दाल बनती थी। फिर क्या बनता था, सेमियां, वो भी घर की बनाई हुई सेमियों को ऊपर शक्कर डालनी और ऊपर उसके घी डालना, ये होता था खाना, लस्सी पीने के लिए, मक्खन खाने के लिए। अब क्या रह गया, बाजार में पूरी छोले ले आओ खा लो, रोटी बनाने की लोड़ ही नहीं है, बर्गर ले आओ खा लो, रोटी बनाने की लोड़ ही नहीं है, तो क्या होगा, अस्पताल खुलेंगे और खुलेंगे। पहले केवल एक MBBS डॉक्टर होता था, अब क्या मैं बताऊँ आपको, लिखा है किसी ने कि आगे आने वाले बच्चों के कान खराब होंगे और आंखें भी खराब होंगी, कानों में वो लगाए हुए बुंदे चले हुए हैं, बुंदे लगे हुए हैं, बाहर की फ्रीक्वेंसी और है, अंदर की फ्रीक्वेंसी और है, जब उसको निकालेंगे तो वहाँ झगड़ा होगा, आंखें भी खराब, दांत भी खराब और कान भी खराब, क्या होगा, राम नाम सत्य जल्दी हो जाएगी। इसलिए आप आए हैं, मैं आपको दर्द दिल से कहता हूँ, ट्राई टू लिव ए सिंपल लाइफ, बाजार की कोई चीज़ मत खाओ, कुछ बनाने को दिल करता है घर में बना लो, पकौड़े खाने हैं घर में बना लो, गोभी ले लो, पनीर ले आओ घर में बना लो खाओ, मैं घर का बनाया खा लेता हूँ लेकिन बाहर का नहीं खाता। क्या कहा मैं, क्योंकि घर का तेल ताज़ा है, वहाँ सुबह से तेल चल रहा है, सुबह से तेल शाम तक जहर बन जाता है, जो उसकी तली हुई चीज़ खाओगे क्या बनेगा। क्या कहा मैंने, ये सत्संग है, जीवन का राज बता रहा हूँ, वहाँ तो जाना थोड़ा कठिन है, वहाँ के लिए कौन आता है किसी के पास, वहाँ तो कोई आएगा, नानक कोटन में कहू जो नारायण चेत, दुनिया तो जीना तो सीख लो, कम से कम जीना सीख लो कि कैसे जीना है। कम खाओ, ये 2 चीज़ें खाओ, इससे ज़्यादा मत खाओ। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो, सुन रे बंदगी कर साहिब की, सुन रे बंदगी करे साहिब की, काल नवावे माथा। उन्होंने कहा कि तू साहब की बंदगी कर ले, उसका सिमरन कर लो। एक बहुत ऊंची बात करने लगा हूँ मैं सुखवीर, बात को ध्यान से सुन, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर सबका शरीर, खास खास तरीके से बना, खास तरीके से बना है, कैसे, वो बनाने वाले ने, उस मालिक ने जिसके हम अंश हैं, जिसके मैं अंश हूँ, उसकी अंश किस शरीर में डालने हैं, बर्तन वैसा बनेगा, स्टील के बर्तन बनाने वाले स्टील का बर्तन किस लिए बनाते हैं कि इसमें क्या डाला जाएगा, शीशे के बर्तन बनाने वाले पहले ये सोचते हैं कि शीशे के बर्तन में क्या डाला जाएगा, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो जो शरीर बना उस मालिक ने इस शरीर को बनाया, कैसा बनाया, जिसमें उन्होंने अपने उस अंश को बिठाना था, उस अंश के मुताबिक उसके पिछले कर्मों के मुताबिक उसका वो शरीर बना, और जब तक वो 9 महीने में तैयार हुआ उस शरीर की मालिक ने देखभाल की, समझ रहे हो,
मालिक ने देखभाल की, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने उसको खाना नहीं दिया, तुमने उसको पीना नहीं दिया, तुम लटके हुए थे माँ के गर्भ में और पानी की थैली में थे, वहाँ भी तुम्हें खाने को मिला, वहाँ भी तुम्हें पीने को मिला, वहाँ भी तुम्हें सांस मिला। कितना बड़ा खेल, कितना बड़ा खेल। और जब जन्म हो गया, हम बाहर आ गए, बाहर आ गए, हमें सीधा कर दिया गया, हम रोए। क्यों रोए? मैंने डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर साहब बताओ, ये बच्चा जब आप सीधा करते रोता क्यों? कहते प्रोफेसर साहब पता नहीं है, रोता जरूर है, हमें नहीं पता। मैंने कहा मैं बता दूँ आपको क्यों रोता है, क्योंकि वो 9 महीने उल्टा लटका हुआ था, उसका सारा कुछ यहाँ था। जब तुमने झटका दिया वो सुर्त यहाँ आ गई, वो घबरा गया और रोया, वो बोल नहीं सकता, वो सुर्त यहाँ यहाँ आ गई। फिर मन के काबू में आ गई, मन ने हमें बाहर डाल दिया, आँखों में डाल दिया, कानों में डाल दिया, जुबान में डाल दिया, हमने अपनी मर्जी शुरू कर दी और हम दुखी हो गए। क्या कहा मैंने? संत आए, उन्होंने रहम किया, बच्चा चल वापस। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब की वाणी सुना देता हूँ, कबीर धारा अगम की सतगुरु देई लिखाए। कबीर साहब कहते हैं धारा अगम की सतगुरु देई लिखाए, धारा आई अगम से, ऊपर से आई, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। अब उस धारा को उलट लो, जब उलटोगे तो क्या बन जाएगी? राधा। उस राधा का नाम लेकर राधा स्वामी, राधा स्वामी को याद करते हुए जहाँ पहुँचो तुम्हारा कल्याण हो जाए। और फिर जब नाड़ू कर दिया, माँ के तन में दूध आ गया, दूध दे दिया। अब उस मालिक ने हमारे पैदा होने पर सारा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन हमें विश्वास नहीं आया कि बाद में भी मेरा इंतजाम किया हुआ है। उस समय के बाद का भी हमारा इंतजाम किया हुआ है। ललाट पर लिखा हुआ है, यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब की मारी वाणी को सुन लो, संतों की वाणी को सुन लो, लिखा ललाट करे नहीं चारा, भावी को मेच नहारा। सब कुछ तुम्हारा इंतजाम यहाँ किया हुआ है, तुमने उस इंतजाम के ऊपर चलना है, मगर तुम चलते नहीं हो। जिस दिन तुम यहाँ चलना शुरू कर दियोगे, तुम्हारे मन के सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तुम उसके हो जाओगे, वो तुम्हारा हो जाएगा। इसे शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर संतन का साथा, संतों के पास जाओ, किसी महापुरुष के पास जाओ, किसी सतपुरुष की जगह पर जाओ, तुम्हें वहाँ ज्ञान मिलेगा। कौन सा? दुनिया में रहने का भी और दुनिया से पार जाने का भी, तुम्हें अपने घर का भी पता लग जाएगा। आगे बढ़ो। कहे कबीर सुनो धर मन, कहते धर्मदास, कबीर कहते हैं ओ धर्मदास सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने शिष्य को कह रहे हैं। जैसे कभी कभी बाबा पीर जी महाराज नाम लेकर कह देते थे, और 2-4 सत्संग ऐसे भी हैं मेरे पास जिनमें मैं वहाँ बैठा था, मेरा नाम लेकर भी क्या है, बच्चा तू सुना, वहाँ नाम लिया हुआ है। मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, उस सतपुरुष को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस सतपुरुष की वाणी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। जो ड्यूटी दी है, मेरे से गलती हुई है, मैंने 1000 बार माफ़ी मांग ली कि दाता मेरे से, मेरे मन ने मुझे मारा, क्यों मारा मुझे नहीं पता, कोई मेरा कर्म कटना होगा, कट गया, अब मुझे माफ़ कर दो। क्या कहा मैंने? धर्मदास को कह रहे हैं, धर्मदास सुन मैं क्या कह रहा हूँ, आगे चलो। काहे कबीर सुनो धर मन, मानो वचन हमारा, मेरा वचन मान ले। ये नहीं कहा मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, नहीं, मेरा वचन मान ले। क्या वचन? पढ़ो। पर्दा खोली मिलो सके गुरु से, पर्दा खोली मिलो सके।
सत्य गुरु से आओ लोक दयाला। क्या कहते हैं धर्मदास, सुन मेरी बात, वो पर्दा खोल दे और सतगुरु को मिल ले। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि सतगुरु तो फिर अंदर हुआ ना, बाहर नहीं है सतगुरु, बाहर तो गुरु है। जिसने रास्ता बताया वो गुरु है, जिसने हमें अंधेरे से रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया वो गुरु है, वो माननीय है। उसका वचन माना और कहते मेरा वचन मान, अंदर जो पर्दा है तेरे मन का उसको उठा दे और जाके सतगुरु से मिल। सतगुरु कौन है? प्रकाश और शब्द, यही बाबा जी कहा करते थे। सतगुरु का चरण प्रकाश है और शब्द उसका रूप है। ये चरण नहीं है, ये चरण तो कहते तुम धोखे पियोगे बीमार हो जाओगे। मैंने बहुत धो धोकर पिए बाबा जी कहा करते थे। असलियत ये है और कहते केवल आपकी संगत से मुझे ये पता चला, फिर पढ़ो यही लाई। पर्दा खोली मिलो सतगुरु से आओ लोक दयाला। ज्ञान के देश में आप आ जाओगे, उस देश में आ जाओगे जहाँ दयालुता है, जहाँ पर दया है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको गले लगा दिया जाएगा। क्या कहा मैंने? तो ये कबीर साहब का शब्द इसने पढ़ा, मेरे मन ने अंदर से मुझे कहा इसी को ले ले। क्या और क्या बात कहनी है? तो यही शब्द मैंने आपको सुना दिया। अब दोबारा ये शब्द पढ़ के सुना दे काफी। जग में गुरु समान नहीं जाता, वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने भली बताई बाटा। काम क्रोध कैद करी राख लोभ कुलीनो नाथा। जग में गुरु समान नहीं जाता, काल करे सो हार ही कैले फिर न मिले या साथा। जग में गुरु समान नहीं जाता, चौरासी में जाई पड़ोगे भुगतो दिन और राता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं कई गए संतन साथा। जग में गुरु समान नहीं जाता, सुमिर बंदगी कर साहिब की, सुमिर बंदगी कर साहिब की, काल नवावो माथा। जग में गुरु समान नहीं जाता, कहाँ कबीर सुनो हो धर मन मानो बचन हमारा। जग में गुरु समान नहीं जाता, पर्दा खोली मिलो सतगुरु से आओ लोक दयारा। जग में गुरु समान नहीं जाता, जग में गुरु समान नहीं जाता। तो आज मैंने कबीर साहब को लेकर आपके पास कुछ कहा है, विचार करो, कोशिश करो इस पर चलने की, जो हिम्मत करोगे मिल जाएगा। दाता के दरबार में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तुम्हारे इच्छा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी लगन तुम्हें सब कुछ देने वाली है, बाहर कोई देने वाला नहीं है। अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी इच्छा को प्रबल करो, तुम्हें मिल जाएगा। मैं बहुत कुछ कहा, मेरी शुभकामना, आप लोग सुखी रहो,
घरों में शांति रखो, प्रेम से रहो और अच्छा विचार रखो, बड़ा बनने का विचार रखो। ट्राई टू बिकम ब्रह्म, अब की क्या कहते हैं ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो नहीं बढ़ो, शरीर की शक्ति से बढ़ो, ज्ञान की शक्ति से बढ़ो, धन की शक्ति से बढ़ो, प्रेम की शक्ति से बढ़ो और ईश्वर को मिलने की शक्ति से बढ़ो। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।